समझदार है, मान्य सांसद हैं, तो उन्हें हिंदू गुजरों में शादी करनी चाहिए। अगर वो हिंदू गुजरों में शादी करती हैं तो मुस्लिम और हिंदू गुजरों का जो एक उन्होंने एक नारा दिया है कि हम दोनों भाई हैं, एक परिवार है। किशोर गुजर की तो पता नहीं अपना कौन सी धुन में है, ना उनकी सलाह की किसी को जरूरत है, ना कोई मान रहा है इस सलाह को। वो अगर ये बयान देते मैंने करा, अगर उनकी नीयत साफ होती विधायक जी की कि हम समाज के गुज्जर समाज के उसमें दे रहे हो, ये राजनीतिक बयान है भाई साहब। केनाना लोकसभा सीट से अभी हाल ही में निर्वाचित हुई सांसद इकरा हसन को लेकर जो नोएडा के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इकरा हसन जो मुस्लिम गुर्जर परिवार से वास्ता रखती है, लेकिन जो है उन्होंने चुनाव में यह कहने का कार्य किया कि हिंदू मुस्लिम गुर्जर भाई भाई हैं और एक परिवार जैसा वो आपस में बर्ताव कर रहे हैं, तो जो है वो हिंदू गुर्जर में से शादी करे या हिंदू गुजरों के किसी लड़के से शादी करे। एक किस तरह का जो विवादित बयान है जो पूरी तरह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है, राजनीतिक गलियारों में जो इसकी चर्चा हो रही है। बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, चार बार जिला पंचायत सदस्य जय नक्षत्रपाल जी हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या उनका यह बयान गुज्जर बिरादरी को लेकर दिया गया है, इकरासन को लेकर या क्या वह बयान सही है या कोई विवादित टिप्पणी उन्होंने कर डाली है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्रपाल जी। स्वागत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का बयान जो है इकरासन को लेकर जो है नंद किशोर गुज्जर ने दिया, जो विधायक नोएडा से हैं, कैसे देखते हैं आप? मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये बयान, कि इस प्रकार का बयान एक जो जनप्रतिनिधि दे रहा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर भाईचारा हमारा आपस में तो है ही भाई, वो भी गुज्जर हम भी गुज्जर, ये हम हिंदू गुज्जर वो मुस्लिम गुज्जर, गुज्जर तो गुज्जर ही है, एक ही बिरादरी है, कौम तो हमारी एक ही है। लेकिन ये इस प्रकार के बयान दे के आदमी अपने आप को खाली चर्चाओं में लाना चाहता है, और शादी जैसी चीज़ जो है वो तो एक परिवार का फैसला होता है या व्यक्तिगत फैसला होता है, एक स्वतंत्र अगर कोई है और वो एक चुनी हुई सांसद है, उसके बारे में इस तरीके की बात करना, या तो उसकी माँ है, उसके परिवार हैं, वो फैसला लेगा, उसका भाई है। शादी का फैसला जो है हमेशा हमारे समाज में भी, चाहे हिंदू समाज हो, नंद किशोर गुज्जर जी भी जानते हैं कि 99% फैसला जो है वो परिवार का होता है कि शादी हम कहाँ करनी है, और कहीं मतलब अगर आज़ादी भी है तो उसमें कोई अपनी मर्जी से वो कहीं भी करे, उसमें भी कोई रोक नहीं है। लेकिन इस प्रकार का हम जो है ये बयान, हम इसको अच्छा नहीं मानते, ये भाईचारा मजबूत करने के लिए चुनाव में और नंद किशोर गुज्जर की जरूरत नहीं है बयान की, ये तो गुज्जर समाज ने अपने आप मोहर लगा के साबित कर दिया कि हम जो है हमारे में कोई फर्क नहीं है इस प्रकार का, कि हिंदू गुजरों ने भी वोट दिया उसको, मुसलमान गुजरों ने भी दिया, और मुस्लिम गुजरों ने कुछ ने प्रदीप चौधरी को भी वोट दिया, ऐसा नहीं है कहीं वो बूथ उठा कर देख लो कि उन्होंने इधर बिल्कुल दिया ही नहीं। तो ये तो लोगों की अपनी वो है मत का प्रयोग करने का, और सामाजिक हमारा जो है, आपको भी पता कि किस प्रकार से हम लोग जो है समाज में जो है, चाहे उनके शादी हो, मरना जीना सब जो है वो हमारे आते हैं, हम उनके यहाँ जहाँ पूरा बिरादरी में ऐसा सामंजस्य है, सब जावे हमें सामाजिक वो है। तो और दूसरी बात में एक और कह रहा, जिस इकरासन को लेकर वो बयान दे रहे, बाबू हुकुम सिंह का परिवार और मुनव्वर हसन का परिवार, चौधरी अख्तर हसन जी, उनके एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं पिछले में, अगर इनका उसका खानदानी सजरा निकाल लो कहीं ना कहीं जी। जो एक परिवार है जी, तो कहीं अलग से थोड़ा ही आए वो भाई गुज्जर, कहीं अलग बन गए अब कलशान परिवार ये दोनों। हाँ वही कलशान चौपाल के नाम से मशहूर है, कलशान खाप के नाम से मशहूर है, उसी चबूतरा चौपाल के नाम से वो एक ही नहीं, ये मूल रूप से है, जितनी थोड़ी मुझे ज्यादा पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों घर किसी पास के गांव के हैं, और मतलब चौधरी एक ही परिवार के दोनों घर यहाँ आए कैराना में, मुझे जैसा लगा है पंजीट से शायद ये दोनों का परिवार पंजीट से कैराना में आया हुआ है जी, जी जी, तो एक ही परिवार है, तो ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था होती है शादी विवाह की, क्या माननीय इस पर सलाह दिया करेंगे नंद किशोर गुज्जर जैसे? नहीं नहीं, सलाह तो हम लोग है माननीय नंद किशोर गुज्जर की, तो पता नहीं अपना कौन सी धुन में है, ना उनकी सलाह की किसी को जरूरत है, ना कोई मान रहा है इस सलाह को भाई। ये तो पहले भी बहुत प्रयास हुए वैसे तो, देखो बहुत से लोगों ने, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के प्रयास पहले हमारी आज से भी पहले हुए, जब हम छोटे थे तब भी देखा भाई बिरादरी को इकट्ठा करो एक उसमें हो जाओ, लेकिन
ये तो उनसे ही हमारे लोग इसके ठेकेदार बने, इन्हीं लोगों की कमियां रही उसमें भी, पहले नहीं तो हो भी सका था। और मैं दूसरी बात ये कह रहा, हम बुराई इतिहास में अगर जाकर देखें बहुत गंभीरता से कि ये मुस्लिम बने, मतलब दो भाई थे सगे जी, इसमें कहीं ना कहीं जैसा कहे कोई जबरदस्ती बनाए, कुछ हमारी जो विचारधारा है, विचारधारा नहीं, हमारे जो धर्म में इस तरीके की वो है बुराई आज भी है, जो पहले ज्यादा थी जैसे छुआछूत की थी पहले जी, जी। भाई दलितों से उनसे पहले ऐसा रहा कि मुझे कुछ गांव में ये बताया, जिस गांव में एक दो घर था हिंदू गुजरों का के गांव में मुस्लिम गुजर का जी। तो किसी ने कहा मैंने दो भाई है, एक भाई किसी मुस्लिम परिवार में खाना खाया, उसने कहा मैं तो आज फलाने मुसलमानों खाना, तो उसके बर्तन अलग रख दिए तो उसको जबरदस्ती बना दिया। तो पहले इस तरीके का भी कुछ हुआ जब बने होंगे कभी, ये तो पता नहीं कितने साल पहले बने, हमें पूरी जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक ढांचा वो पुराने उसका भी जो है, पहले इस तरीके की लोगों की वो थी विचारधारा, उसमें उसका भी रोल है। क्या आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने जो दूसरे के लिए शुरुआत करने के लिए बात की, आनंद किशोर गुर्जर ने खुद से शुरुआत करनी चाहिए इस तरीके की पार्टी की? नहीं, खुद से करें या दूसरों से सलाह, अगर ये अच्छाई है तो खुद से करें। नहीं, खुद अगर अच्छाई होती तो वो इस तरीके की बयान दे ही नहीं थे, अच्छाई उनके इस बयान में है ही नहीं, अच्छाई वाले की तरफ से नहीं दिया उन्होंने बयान ये। वो अगर ये बयान देते, मैंने करा अगर उनकी नीयत साफ होती विधायक जी की कि हम समाज के गुज्जर समाज के उसमें दे रहे हो, ये राजनीतिक बयान है भाई साहब, ये बयान जो है राजनीतिक है, वो इसमें अपना राजनीतिक फायदा देख रहे इसमें। जैसे लोग आईना दिखाना चाहेंगे नंद किशोर गुर्जर? नहीं, नंद किशोर गुर्जर को तो आईना अपने आप समाज ने दिखा दिया, समाज ने समाज के बुद्धिजीवी और जो वजूद वाले व्यक्ति है, क्या आप आईना नहीं दिखाएंगे? नहीं, आईना तो बचकाना बयान जो ये बचकाना बयान है, अगर नंद किशोर गुर्जर जी मैंने ईमानदारी से ये बयान दे रहे हैं कि वो एक राशन हिंदू गुर्जर में शादी करे या उनके यहाँ कोई परिवार में लड़की हो वो उससे करे, तो ये तो एक सामाजिक इकट्ठी एक वही मीटिंग करके, सामूहिक मीटिंग दोनों भी उसकी समाज के लोग इकट्ठी करके वो प्रयास करें, अगर उनके बयान में कहीं ईमानदारी उनकी सोच में जो है ये बात है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो वैसे प्रयास करके देखें। अब जब जमाना बदल रहा है तो मैंने वो प्रयास करें कि भाई हम जब एक बिरादरी के लोग हैं तो हमारा रिश्ता क्यों नहीं हो सकता, तो उस तरीके से उन्होंने पहल करनी चाहिए। ये बयान में मुझे उसमें ऐसी पहल की नहीं लग रही जो उनकी सोच में हो, ये राजनीतिक बयान है बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि दोनों वर्गों में अभी भी ऐसा समझौता बन सकता है कि शादी ब्याह और रोटी बेटी का रिश्ता जो है हिंदू मुस्लिम गुजर में आपस में तय किया जा सकता है? अभी भी कुछ संभावना बाकी है? अभी एक लंबा सा बीत चुका है, इस पे तो बहुत गंभीरता से लोग लेकर इसको अगर चले तो हो भी सके, ऐसा नहीं है कोई भी बात ना हो तो आगे बढ़ता जा रहा। अब देखो शादियां जो है इंटरकास्ट भी हो रही, दूसरी बिरादरियों में भी हो रही, और एक दूसरे धर्म से दूसरे धर्म में भी हो रही, तो ऐसा मैंने वो तो कल्चर के हिसाब से बदलाव तो एक आता जा रहा है जी। लेकिन ये पहल इतने उस पर नहीं हो सकती क्योंकि समाज में जो है अभी दूरियां बहुत हैं। अगर मैंने इसका प्रयास करें बहुत बड़े स्केल पर हो, पहले भी लोगों ने किया है, उन्हें याद है हमारे जम्मू कश्मीर के गुज्जर आए, मुनव्वर हसन भी आए, चौधरी साहब भी आए, इस तरीके की मैंने पहल हुई नहीं। और मैं एक इतिहास आपको बता दूं, हमारे गांव जेरा है जंगो बिल्कुल, कुछ साल पहले वहां बहुत उन्हें आज भी जो है नवे हिंदू कहते हैं, एक परिवार था मजाही राणा तो जिंदा है, मजाही राणा की भुप्पी थी वहाँ जी, बुआ जी, उसकी शादी हुई थी जेरे में, वो परिवार एक परिवार मुस्लिम परिवार था जी। और जो हमारे साथी थे बहुत से हमारे सामने ही, उन्होंने वो खूब देखी हुआ तो अभी तक थी जिंदा जी, रही जी। तो उन वो जो है हिंदू गुज्जर बन गए थे मुस्लिम गुज्जर से, आज उनकी शादी सारे हिंदू गुज्जरों में एक्सेप्ट हो गए। हाँ नहीं, उन्हें बस उनका बोंग तो पट जाएगा, वो हिंदू नए हिंदू जी, लेकिन है तो वे मुस्लिम गुज्जर से कन्वर्ट इधर हो गए, तो उनकी शादी आज कोई समस्या नहीं है जी, 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 जी। लेकिन अगर ये लार्ज स्केल पे कोई पहल करे, ये सब दोनों हमारे समाज इसको स्वीकार कर ले तो कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसी कहीं कुछ। हमारा रहन सहन भी एक है भाई, हमारी पूजा की पद्धति अलग अलग है, लेकिन रहन सहन हम भी किसान, हम भी किसान सब ज्यादातर यही काम संभव हो सकता है प्रयास नहीं, अगर बहुत लार्ज स्केल पे कोई प्रयास करे कोई, मैं मेरे तो सियासत से हट के हो सकता है काम, मैं मेरे बस का मैं कहूँ मेरे
तो बस मैं एनीवे में कुछ कर पूछना जी तमाम बात देखने में आपने खुद ही बोला है कि चौधरी साहब भी आए हैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोग भी आए गुजर एकता को लेकर जाए इकट्ठा हो एक यात्रा निकल गई मेरे याद है मैनपुरा में एक सभा हुई थी उसमें चौधरी यशपाल सिंह जी भी थे मुनव्वर हसन जी भी थे काफी बहुत मेरा मेरे भी पूरा याद आता है कि जो 2019 में जो मुकेश चौधरी जो हमारे अभी हाल में विधायक हैं नकुट से उन्होंने एक प्रयास किया था उसमें जो धर्म सिंह जो हमारे विधायक थे वहाँ के हरियाणा के वो भी आए थे और एक बड़ी सभा जो है सहारनपुर में की थी जिसमें जो है मुस्लिम गुजर भी रहे थे जिसमें वन गुजर भी आए थे और हिंदू गुजर तो तमाम जो है बड़ी मात्रा बड़ी संख्या बल के हिसाब से यहाँ पे गांधी पार्क में आए थे लेकिन जो सियासती रिश्ता तो जुड़ा है उन लोगों से जो है रोटी बेटी का रिश्ता अभी भी अधूरा है। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहते कि रोटी बेटी का वो तो एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है जैसा आप कह रहे हैं इस बात को लेकिन जिस तरह का बयान सियासत को लेकर दिया गया है और वो भी माननीय जब हो जाती है इकरासन सांसद जब हो जाती है तो किसी भी एंगल से क्या वो एक जो है मजाकिया बयान है हिंदू मुस्लिम को जोड़ के देखे जाने वाला बयान है या सामाजिक व्यवस्था को परिपूर्ण करने वाला बयान है? नहीं नहीं इसमें बिल्कुल देखो मैंने शुरू में ही कहा ये बिल्कुल हास्यास्पद है और ये ईमानदारी से दिया गया हुआ बयान नहीं है। ये तो राजनीतिक स्टंट है खाली उसको जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए नंद किशोर गुज्जर जी ऐसा बयान दे रहे हैं। हम तो उनसे मतलब इस बयान की अपेक्षा भी नहीं करते मतलब किसी के लिए देखो वह व्यक्ति है हमारे समाज की व्यक्ति है उसके लिए वो सांसद बनी उसको समाज ने और लोकतंत्र में सबने उसको वोट दिया 36 वो तो आपने उसमें संबोधन में आज भी यही कहती है कि मुझे 36 बिरादरी का वोट मिला है सबका शुक्रिया अदा कर नहीं सबका शुक्रिया अदा करती है और उसने ऐसा बयान दिया है तो किसी की व्यक्तिगत निजी जिंदगी में मतलब ऐसे बयान देना तो अच्छी बात नहीं मैं तो समझता नहीं कोई ये बहुत समझदारी का काम है। नक्सली क्या आपको लगता है कि जो है अपनी बेटी में और दूसरे की बेटी में कोई फर्क होता है अपनी बेटी से और दूसरे की बेटी के लिए ऐसे बयान? नहीं नहीं सब बेटी को देखो हमारी बेटी हमारे गांव आप जो है ये देखो समाज की व्यवस्था ऐसी है किसी के साथ अगर ऐसी बात ना हो अगर किसी के गाँव में बेटी के साथ थोड़ा बहुत वैसा हो जा तो गाँव में आज भी है कोई नहीं कहता उसकी फला की बेटी थी गाँव का नाम लेकर भाई फला गाँव की वो लड़की के साथ ऐसा हो गया तो गांव मतलब बेटी हमारे पूरे गांव की होगी चाहे उसमें 36 बिरादरी के लोग रहे 36 बिरादरी के लोग रहे उसमें मतलब धन भी अलग अलग हो चाहे तो उसको गांव की बेटी बोला जा। सियासत में इस तरह के जब बचकाना बयान ना आए उसके लिए सियासत जदाओं को क्या करना चाहिए? देखो हम तो लोग हैं सियासत वालों को भी सोच समझ के बयान देने चाहिए किसी की इज्जत पे किसी के उस पे व्यक्तिगत जीवन पे जो है किसी के टारगेट नहीं करना चाहिए किसी को भी ये अधिकार किसी को नहीं लोकतंत्र में वैसे तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पे आप जो है अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो वो गलत है हम तो गलत समझते हैं उसको और समाज भी उसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। चलिए बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद।